LIC में बाहरी एवं ग्रामीण एजेंट भर्ती 7,000 रुपए हर माह, 25,000 से अधिक कमीशन केवल 280 पद, योग्यता 10वीं पास, उम्र 25 वर्ष से अधिक सीमित पद। जल्द संपर्क करें आशीष जैन एजेंट भर्ती अधिकारी 9098012369। 55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबाऊ कॉम्प्लेक्स, दमोह, बाजार से कम कीमत पर। गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा इंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर। सनातन संघ के चेयरमैन उपदेश राणा की घोषणा, जब तक लफ्ज हाथ वाले मामले में कार्रवाई नहीं होगी तब तक दमोह में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। दमोह में ज्ञात हो कि दमोह के समुदाय विशेष के युवक ने हटा निवासी युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा कर ले गया था अपने साथ। युवती अभी पुलिस अभिरक्षा में है। वहीं लंबे समय तक भूख हड़ताल पर बैठने के बाद प्रशासन ने मानी उपदेश राणा की बातें, युवती को किया परिजनों के हवाले। दमोह पहुंचे थे आज राज्य सनातन संघ के चेयरमैन उपदेश राणा। क्या कुछ कहना है इस संबंध में CSP महोदय का व उपदेश राणा का व युवती की माँ का, यह भी हम आपको सुनाते हैं। कहना तो आसान है, फेसबुक पर लिख देते हैं कि वो वहां से आ रहा, याद है इतनी। जय श्री राम। दमोह हो रहे लगातार लव जिहाद के विरोध में जो मामला दमोह में हुआ है उससे आप भी परिचित है, बड़ा दमोह परिचित है। किस तरीके से एक 22-23 वर्षीय बच्ची को ब्रेन वॉश करके और पूरा एक तरीके से जाल बिछा कर फंसा कर और ये कह दिया गया है सनातनियों को जो तुम्हें करना है अब कर लो, हम ऐसे ही करेंगे। तो मैं इसी के लिए आया हूँ कि ये उस परिवार को न्याय मिले जो 4-5 दिन से भटक रहा है। अब आगे आपका क्या? देखिए, मैंने अपनी तरफ से यही बात रखी है क्योंकि मैं कोई नेता तो हूँ नहीं, मैं अपनों के बीच खड़े होने वाला इंसान हूँ और मैं अब तक 12 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरा यही कहना है जब तक इस मामले की सही जांच नहीं होगी और लड़की जो सुपुर्द नहीं की जाएगी उसके माँ बाप, जो उनका संवैधानिक और कानूनी हक है, तब तक मैं अनशन करूंगा यहाँ पर और मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। वो जो जगह प्रशासन को देनी है वो मुझे दे दे, मैं बिल्कुल संवैधानिक दायरे में रहकर मैं अनशन करूंगा। जब प्रशासन जगह नहीं देगा तो फिर क्या करेंगे? जो मैं करता आया हूँ मैं यहीं बैठ जाऊंगा जहाँ पर खड़ा हूँ। लेकिन न्याय चाहिए उस परिवार को, जिस परिवार ने अपनी एक गरीब परिवार ने एक बच्ची पाली, उसको बड़ा किया और इस दिन के लिए बड़ा किया कि वो जिहाद करके आएंगे, जिनकी शादियां हो रखी है, जिनके पहले बच्चे हैं जो दुगनी उम्र के हैं और जो निकाह के नाम पर जो बनवाएंगे सर्टिफिकेट लिविंग रिलेशनशिप का, ये धोखा नहीं है तो क्या है? ये सीधा कहा जा रहा है कि हम ऐसे ही यूज करेंगे और सनातनियों तुम्हें जो करना है तुम करके दिखा दो। ये मैसेज मैं तो चाहता हूँ, देखिए आप मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है देश में कि ये बात जन जन तक जानी चाहिए कि दमोह में हुआ क्या है। उसने लड़की की जो फोटो है वो बुरके में बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत वायरल किया। अगर उसको इतना ही प्यार होता तो वो अपना तिलक लगाता, हिंदू बनता, उसको बुरका पहनाकर लव लिविंग रिलेशनशिप में ना रखता। ये चल क्या रहा है और ये ऐसा मैसेज पास किया जा रहा है कि जो और हिंदू लड़कियां हैं ना वो आगे ऐसे ही चली जाएंगी। किसी प्रशासनिक अधिकारी से इस संबंध में आपकी बात हुई? मेरी सुबह फोन पर बात हुई है उस घटना के संबंध में, मैंने उनको भी यही कहा कि इसमें जो सही चीज है वो सामने आनी चाहिए और अभी जैसी भी बात होगी उसको भी आपसे अवगत करा दिया जाएगा। बच्ची नहीं सौंपी जाएगी जब तक वो धरना चालू रखेंगे, प्रशासन क्या कर रहा है इस मामले में? देखिए, ये जो इनकी मांग है, संबंधित जो लड़की मेजर है वो वर्तमान में अभी वन स्टॉप सेंटर में ADM कोर्ट के आदेश से काउंसलिंग के लिए है और चूंकि लड़की मेजर है और इनकी जो मांगे हैं उसको देखते हुए मेजर लड़की का कंसर्न लिया जाएगा। मेजर लड़की होने के कारण उसे जहाँ जाना है, जिस पक्ष के साथ जाना है वो स्वतंत्र है और वो जहाँ जाना चाहेगी वो जाएगी। धरना प्रदर्शन हुआ है, मांग सर ने कहा कि अनिश्चितकालीन धरना करेंगे जब तक बच्ची को है माँ बाप को नहीं सौंपी जाती, तो सब क्या करेंगे? देखिए, उनसे बातचीत हुई है, उनका कहना यही है कि उनसे बातचीत हुई है और उनका कहना है लड़की अगर माँ बाप के साथ जाना चाहेगी तो बिल्कुल माँ बाप के सुपुर्द किया जाएगा। लड़की की कंसेंट के लिए जो है वन स्टॉप सेंटर पर संबंधित तहसीलदार और अन्य स्टाफ गया हुआ। देखिए, लड़की के परिवार वालों को परिजनों को मिलने दिया जा रहा है, अभी भी परिवारजनों को भेजा गया है और लड़की की इच्छा और लड़की की सहमति के बाद ही जो है उसे किसी
के भी सुपुर्द किया जाएगा। आप क्या समझते हैं? आप पूरी बात बता दीजिए, क्या हुआ था, कैसे क्या सब? ये 16 तारीख की रात है, उस दिन हमारी बच्ची को उठा लिया है मुबारक पठान ने, और हम लगातार जारी कर रहे हैं, ढुड़ाई शुरू की है हमने लगातार, एक महीना हो गया, इसलिए परसों के दिन हमको बच्ची मिली है, और हम हमारी बच्ची घर आना चाहती है, और इसने जो हमारे साथ किया है ऐसी किसी हिंदू बेटी के साथ नहीं होना चाहिए, और कानून इसको कड़ी से कड़ी सजा दी। अभी आपकी बेटी कहाँ है? अभी मेरी बेटी जन सेंटर में है। तो आपकी बात हुई उससे, मुलाकात? हाँ, मेरी बात हुई है उससे, तो बोल रही हम घर आना चाहती है। अधिकारी क्या कह रहे हैं आपसे? अधिकारी यही बोल रहे हैं कि आप घर ले जाओ, लेकिन मुलाकात नहीं हुई मेरी, कल बार मुलाकात हुई है, एक दिन चौकी में हुई है, एक दिन कल हुई है, और दो दिन तीन दिन में फिरती रही, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। घर ले जाने की बात कह रहे हैं, कब आपको देंगे हुकम? नहीं, ये कल हुई है घर आने। सपोर्ट कब करेंगे आपको, सौंपेंगे कब बच्चे? अब ये नहीं बताया मेरी को, अभी मेरी कोई अधिकारी से कोई बात नहीं हुई है। ये आपका अनशन शुरू हुआ था, उसके बाद प्रशासन द्वारा आपके क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, पहले तो ये कहा गया कि सोमवार में सुपुर्दगी होगी, बात हो गई है। उसके बाद हमारे भाई साहब हैं, उनको भाई ने बहुत मदद की, और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ आप सभी, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ। जैसे ही खबरें ये गई तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी पड़ता है, और उसी का ये नतीजा है सभी का, कि सभी की मेहनत साकार हुई और लड़की सुपुर्द कर दी गई माँ बाप। अब आपका अनशन जो था वो समाप्त? बिल्कुल, देखिए मेरी यही मांग थी कि लड़की जो ये कहा जा रहा था कि भाई उसको सौंपी जाएगी या उनसे पक्ष से मिल रही है, ऐसा ना हो, लड़की को माँ बाप को सौंपना चाहिए, और माँ बाप को सौंपी गई है। अभी एक बात और मैं कहकर यहाँ पर जा रहा हूँ, जितनी गतिविधि इसकी है जो मुबारक खान है, इनकी सबकी जाँच होनी चाहिए, और जाँच कराएंगे, चाहे इसके लिए 10 बार आना पड़े, हम इसकी जाँच कराएंगे, और इसमें कौन कौन किस किस की इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, हम सबके खिलाफ लड़ेंगे।